हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एआर मोटिवेशन। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर किसी के कार का टायर रास्ते में पंचर हो जाए और वो कार से उतर कर रास्ते में बोलना शुरू कर दे कि यार टायर तुझे पंचर नहीं होना चाहिए था, तुझे भी आज ही पंचर होना था, बाकी टायर को देख वो भी तो ठीक है, दूसरी गाड़ियों के टायर को देख, कास्ट टू भी ठीक होता, कास्ट टू भी सही होता, और यही चीज वो बार बार 20 मिनट तक दोहराता रहे। उसके बाद वो मैकेनिक को फोन करके टायर चेंज करवाए, तो इस चीज पर आपका कैसा रिएक्शन होगा? आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे ना, ये क्या पागल इंसान है, 20 मिनट वेस्ट कर दिए, कितना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर दिया कास कास कहने में, कंप्लेन करने में, कितना टाइम बेकार कर दिया उसने, टायर पंचर है बोल बोल के। वो सीधे सीधे उस चीज को एक्सेप्ट करता और टायर चेंज कर देता, और अगर नहीं कर सकता था तो किसी फ्रेंड को बुला लेता या मैकेनिक को ही बुला लेता। कास ऐसा ना हुआ होता, अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ये सारी बातें आपको टाइम वेस्ट लगी ना। ये एक्सेप्ट करना होगा कि टायर पंचर है, फिर विश करने से या कंप्लेन करने से वो ठीक नहीं होगा। ठीक तभी होगा जब उस चीज को वो एक्सेप्ट करेगा और एक्शन लेगा। मतलब आप उस चीज को मानते हो कि जितना समय उसने कास और कंप्लेन में लगाया वो सब टाइम वेस्ट था, वो सब एनर्जी वेस्ट थी। जब आप ये डिसीजन लोगे कि एक्शन लेना है, केवल तभी एक्शन लिया जा सकता है, टाइम तभी फिक्स होगा और टायर भी तभी फिक्स होगा। हम भी अपनी जिंदगी में कई बार ये लाइन बोलते रहते हैं कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, कंप्लेन करते रहते हैं, विश करते रहते हैं, और ये सब सोच सोच कर हम अपनी लाइफ की टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बातें भले ही जितनी मर्जी कर लो, काम होगा तो एक्शन से ही होगा, टाइम बदलेगा तो एक्शन से ही बदलेगा। एक्शन मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक्शन से ही आपकी जर्नी की शुरुआत होती है, एक्शन ही आपको आगे लेकर जाता है, एक्शन से ही आपके गोल पूरे होते हैं, एक्शन से ही आपका ये ग्रेथ कम होता है, एक्शन से ही आपकी लाइफ में वो लाइफ आती है जो आप जीना चाहते हो। सो आपको खुद को आदत डालनी होगी एक्शन की। बाय बाय, सी यू लेटर। ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए सब्सक्राइब का बटन।